Hi everyone, good morning, what's up, namaskar, welcome back to our YouTube channel, Mr. and Mrs. Raj. मैं हूं सचिन, आप सभी का अपना दोस्त, और स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पे। तो गाइस, सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं। मनीषा बना रही सूजी का हलवा, जो कि मैं खाता ही नहीं हूं। इसको बहुत अच्छा लगता है। मनीषा का फेवरेट है सूजी का हलवा। नहीं गाइस, पहली बार बना रहे हैं, इसलिए राशि से पूछ के बना रहे हैं। राशिद का फेवरेट हलवा है, हम भी खाते हैं। तो यहाँ पे ये तेल गरम, तेल क्यों गरम हो रहा है? लिट्टी छानने के लिए। अच्छा, तो अभी लिट्टी लेके जाने वाली, रात को बनाया हुआ था सूची का लिट्टी। ब्लॉग डाल दी? नहीं, अभी लेके जाने। ब्लॉग डाल दी हो? नहीं। तो हाँ, डाल दी। चलो, सूजी का लिट्टी का रेसिपी आप लोगों को दिख गया होगा। तो फिलहाल राशिद रेडी हो चुका है, 8:50 से कॉलेज है, तो आज मनीषा 11:30 तक आ जाएगी, क्योंकि उसके बाद जो उसका क्लिनिकल का पोस्टिंग है वो इसको अटेंड नहीं करना। ऐसे कैसे फेंकती, देखो कैसे डाल रही है। चार गुलिटी में क्या होगा तुम भूखा? चार गुलिटी और है, भूख लगा था ना। मैं तो हलवा ले जाऊंगी, मैं तो इतना सबको खिलाती हूँ, खाने का दिक्कत ही नहीं होता। ये हलवा पता नहीं इतना सा हलवा में क्या ही होगा। ये भी सूजी है, ये फूलता है। फूल जाएगा, बहुत अच्छा बनाएंगे। ठीक है, आपका यहाँ पर सूजी का लिट्टी। सो गाइस, फाइनली अब मनीषा कॉलेज के लिए रेडी हो गई है, और आपको पता ही है कॉलेज जब जाओ ना तो धूप वगैरह बहुत लगते हैं, और अभी फेस पे भी अपना फेस वॉश कौन सा यूज़ किया? फेस वॉश की और स्किन का यूज़ किया। तो फेस वॉश जो यूज़ किए हैं वो क्योर स्किन का यूज़ की हुई है। क्योर स्किन के बारे में आपको बता दूं तो क्योर स्किन एक डॉक्टर्स या डर्मेटोलॉजिस्ट बेस्ड एप्लीकेशन है, जहाँ पर आप अपने स्किन, फेस या हेयर से रिलेटेड कोई भी तरह के सॉल्यूशन पा सकते हैं। बेस्ट पार्ट पता है क्या, यहाँ पर डॉक्टर्स आपसे खुद रेगुलर फॉलोअप लेते हैं कि आपकी स्किन में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। जब आप ये प्रोडक्ट मंगाते हैं ना, तो प्रोडक्ट मंगाने के बाद आप जब इसको इंप्लीमेंट करते हैं थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर डॉक्टर्स आपसे फॉलोअप लेंगे ऐप पे ही। हमें से बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, ऐप को अनइंस्टॉल भी कर देते हैं, जिससे डॉक्टर्स फॉलोअप ले नहीं पाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ऐप को अनइंस्टॉल मत करो। जब आप प्रोडक्ट मंगा लेते हो ना, तो प्रोडक्ट के बाद उस ऐप पे आप चेक करो, आपको प्रॉपर डाइट चार्ट से लेकर के ना कैसे कैसे क्या चीज़ होता है सब कुछ बताया जाता है। वैसे बहुत बार मैंने क्योर स्किन के बारे में बताया हुआ है। क्योर स्किन जैसा कि आपका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ना पूरे फेस का स्कैन करता है, और जो जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपकी एक किट बन के आती है। जो मनीषा का किट बन के आया था ये ऐसा वाला है, ये इसका तीसरा किट है। और एक किट आप एक बार जब मंगाते हो ना, तो आराम से 2-2.5 महीने तक तो चल ही जाता है। ये किट की प्राइस ऑलमोस्ट अराउंड 1500 या हमें पड़ा था। अलग अलग स्किन के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइसेस आ सकती हैं, और हमारा कूपन कोड अगर आप यूज़ करते हैं ना, तो आपको 250 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो बहुत अच्छा है, आप लोग एक बार ज़रूर इसको ट्राई करो। इसमें क्या क्या आया हुआ था, हाइड्रेशन जेल आया हुआ है इस पर, आप देख सकते हो कुछ ऐसा है। और इसके साथ साथ सनस्क्रीन जेल है, जो कि धूप में जाने से पहले अपने जो बॉडी के पार्ट्स एक्सपोज होते हैं ना सन को, वो लगाना पड़ता है, मतलब वहाँ पे, ताकि सन की रेडिएशन से स्किन हमारा बचा रहे, टैनिंग वगैरह ना हो। बाकी फेस वॉश तो क्या ही है, अभी मनीषा अभी यूज़ भी की हुई है, जो कि आप लोगों को अभी स्क्रीन पे दिख भी जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो तो टेंशन होती है कि यार कहीं स्किन का कोई साइड इफ़ेक्ट तो ना हो, तो ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस पर खुद डॉक्टर्स और डर्मेटोलॉजिस्ट ही इसको गाइड कर रहे हैं, और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इसको लगा सकते हैं। अब खुद सोचो ना यार, अगर हम किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास अगर जाते हैं, तो बाहर जाने आने का खर्चा से लेकर के स्किन केयर के मेडिसिन से लेकर के और रीविजिट चार्ज, यहाँ पर आप जितनी बार डॉक्टर से आप चाहें ना आप खुद बात कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे स्किन पर क्या क्या चेंजेस हैं। एक बार प्रॉपर आप गाइडलाइंस वहाँ से ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट ले लिया, लगा लिया और छोड़ दिया। उसका भी एक तरीका है, आपको जैसे अब यहाँ पर कुछ कुछ ये करेक्टर जेल है, तो ये वीकली लगाना है, अब रात में सोने से पहले लगाना है, जो डार्क स्पॉट्स है, जो अंडर आई में जो ब्लैक वगैरह ये हो जाता है ना, क्या बोलते हैं इसको, डार्क सर्कल्स वगैरह, तो इन सबको करेक्ट करने के लिए मतलब ये हेल्प करता है। तो आपके स्किन के अकॉर्डिंग जो आपके स्किन में प्रॉब्लम्स होंगे ना, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट बन के आएगा। काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे, और इतने सारे आपको हेल्प मिल जा रहे हैं, और क्या चाहिए, है ना, हमारे स्किन केयर तो बनती ही है। तो अभी बहुत सारे फंक्शंस आ रहे हैं, दशहरा आ रही है, तो स्किन का केयर करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी फंक्शन में हम ये चाहते हैं ना कि हमारा चेहरा चमकता हुआ रहे, हाँ, तो फेस्टिवल ओकेजन है। तो बस आप लोग भी इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, और क्या, थैंक यू सो मच। बाकी चलिए ब्लॉग की तरफ।
तो गाइस नहा धो के पूजा पाठ करके मनीषा आई हुई है, देख लो ब्रश लेकर के। अब इसके क्लास का भी टाइम, कितने बजे से क्लास है? 9:50। इसका ड्रेस पता नहीं कैसा बन गया कॉलेज। सुबह सुबह उठो, ब्रश करो, अब नाश्ता वगैरह की तैयारी। तो लिट्टी खाए थे सूजी का, फिर वो कुछ कच्चा रखती थी कि सुबह फ्राई करके दे देंगे, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा सुबह सुबह लिट्टी खाने का। हलवा बनाई है, लेकिन हलवा सूजी का है, सूजी का हलवा मैं खाता ही नहीं हूँ। नहीं नहीं खाएंगे तो ब्रश और कैसे ही रहेंगे? अरे हम काजू वगैरह खा लेंगे, ड्राई फ्रूट्स नीचे लिट्टी खा लो, खाओ जल्दी खा के जाओ। हम नहीं खाएंगे, हम अपना ले जाओ, इसको लेके जाओ लंच बॉक्स में, आप एक खा लीजिएगा। हम नहीं खाएंगे, तुम बोल रहे हैं तो हम नहीं जान रहे, खाना पड़ेगा। जबरदस्ती हो रहा है, ब्रश नहीं, ब्रश का कैसे रहेंगे, क्या ड्राई फ्रूट्स खा, हम नहीं खाएंगे, ले जाओ। बहुत चालू है, रात का बना कर दे देगी, रात का है ये। अरे हमको नहीं मन कर रहा है, तुम एक ही चीज कितना बार खाएगा, इसलिए माँ से पूछ रहे थे। देख रहे हो भाई ऐसी करती है ये, आप जो खाएंगे वही वाला हम करेंगे। बना दो फिर सिंगापुरी हाक्का नूडल्स मंचूरियन वगैरह। नो नो नो, 8:50 में क्लास है, 8 बजे उठती है, 8 बजे उठते हैं वो भी, हम उठाए हैं तो कब से उठे हैं आप? चलो चलो ले जाओ, आप खा लीजिएगा ड्राई फ्रूट्स, हम खा लेंगे 11 बजे तो बनाएंगे। जाओ 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 बाय, लेके जाओ, हम ले लिए ना, क्लासमेट को खिला देना आपने। नहीं नहीं, निशा खाएगी और आप खाएगा। तो गाइस बालकोनी का नजारा कुछ ऐसा है, उनको देख लो। एजेंसी में कब ले जाएगा, एजेंसी में संडे को। हम आ जाएंगे लेने, फोन कर देना। हे गाइस, तो अभी मैं निकल गया हूँ घर से, 12:03 हो रहे हैं, और अभी मैं जा रहा हूँ मनीषा को यूनिवर्सिटी लाने, क्योंकि उसका कॉलेज जो है वो आज हाफ डे था, जो दूसरी क्लास थी वो उसको अटेंड करने नहीं थी, मतलब वो उसके लिए नहीं था आज। तो चलते हैं बने। हे गाइस, तो अभी शाम के लगभग बज रहे हैं 7:15, मार्केट आया हुआ था, तबीयत ठीक सी नहीं लग रही थी, अंदर से फीवर जैसा फील हो रहा है, सिर्फ अट रहा था, रेस्ट किया था दिन भर आज, बट फिर भी वही थोड़ा बहुत लग रहा है, बीमार टाइप का ना। ब्लॉग वगैरह कुछ मैं खास शूट नहीं कर पाया, अभी चल रहा हूँ फिलहाल, मेडिसिन लूँगा, कुछ खाऊँगा थोड़ा, और उसके बाद से फिर घर जाएंगे, कुछ सामान भी लाना था घर के लिए, तो देखते हैं, आप लोग बने रहो। फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ मार्केट, एज यूजुअल जैसा कि मैं आता हूँ क्रेविंग स्ट्रीट अभी आया हूँ, खाने के लिए भूख लग रही थी थोड़ी बहुत, तो मैं यहाँ पे खाता हूँ जनरली मशरूम, तो आज मैंने मशरूम गार्लिक मंगाया हुआ है, अजीब सा टेस्ट हो रहा है, मन का कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, सोचा बाहर खा के देखते हैं, तो चलो। सो फाइनली मेरा ऑर्डर आ गया, एक है मेरा ये बर्गर जो कि नॉर्मल आलू टिक्की है, और दूसरा मैंने लिया हुआ है वो, भाई बहुत गर्म है तो मशरूम चिल्ली। आज ये जो बर्गर है ना इतना टेस्टी लगता है मेरे को, हॉट मिलियंस की याद दिला देता है, नॉर्मल आलू टिक्की बर्गर बहुत यम्मी, और मैं 90 रुपए का इसको खरीद के खाता था, यहाँ तो शायद 35 का है।